बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में या प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में पजेसिवनेस बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। पजेसिवनेस जो होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में, वो एक अधिकार कि भाई मेरा तुम्हारे ऊपर अधिकार है या मालकिन है, मालकिन है या मालिक है, ऐसा ये मेरा है, तो ये चालू हो जाता है रिश्तों में। पति पत्नी का भी रिश्ते में ऐसा होता है, जब नया नया जब शादी होता है तब, और जब प्रेमी प्रेमिका है उसमें रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, उसमें सभी जगह आपको दिखाई देगा। तो पजेसिव है भाई, जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो बहुत पजेसिव हो गई है या बॉयफ्रेंड बहुत पजेसिव हो गया है या अपन खुद पजेसिव हो गए, ये कैसे समझना वो जरूरी है, तो उसके बारे में बातचीत करूँगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि ज़्यादा आप पजेसिव हो गए, ओवर पजेसिव, तो फिर एंग्जाइटी होती है, टेंशन डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। तो पजेसिव हो गए इसके लक्षण कैसे देखना कि भाई व्हाट्सएप अपने कोई पोस्ट डाल दिया उसके लिए, तो उसने उसका जवाब दिया नहीं, उसने देखा भी नहीं मेरा व्हाट्सएप, देखा तो जवाब दिया नहीं, उसको एक्नॉलेज नहीं किया, ये थम्स नहीं बताया या जो भी कुछ है बताया नहीं, तो फिर मतलब इसको मेरा महत्व नहीं है। व्हाट्सएप को जवाब नहीं देना, व्हाट्सएप देखना नहीं, व्हाट्सएप चेक करना कि वो कुछ व्हाट्सएप भेज रहा है क्या बार बार, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा है क्या, बाकी ग्रुप में व्हाट्सएप भेजा, मुझे व्हाट्सएप भेजा नहीं, ये मेरा है, वो लड़का या लड़की मेरी है, मतलब इस तरह का बिहेव करना। व्हाट्सएप का स्टेटस देखना, किसका स्टेटस है, क्या है, किसका रखा हुआ है स्टेटस, क्या चल रहा है। अपना फ़ोन नहीं उठाना तो चिड़चिड़ा बंद करना, मतलब मिस कॉल, मिस कॉल मेरा हो गया तभी भी उसका फ़ोन नहीं आया मेरा मिस कॉल देखने के बाद में, या मैंने फ़ोन किया तभी फ़ोन नहीं उठाया, बाकी सब छोड़ के मेरा फ़ोन उठाना चाहिए था, मतलब ये एक भावना होना। फिर उसका जो फ्री टाइम होता है, लड़का या लड़की का जो भी फ्री टाइम होता है, तब वो उसने क्या किया उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में ज़्यादा पोक करना, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेना, पूछना कि तुम तब कब गए थे, अच्छा ऑफिस हो गया है 6 बजे, ऑफिस ख़त्म हो गया, फिर तुम कहाँ गए थे, किसको मिले थे, क्या किया, ऐसा डिटेल में पूछना। फिर दूसरा लड़के लड़की के साथ में जब बातचीत करते हैं तो फिर उसमें डिस्टर्ब हो जाना कि तो मेरा है, वो लड़की कैसे बातचीत कर सकती इसके साथ में, तो उसे डिस्टर्ब होना। यदि उसका मोबाइल बिजी आ गया, तो जैसे मैंने बताया कि मोबाइल बिजी आ गया, बार बार कर रहा है, बिजी आ रहा है, तो किससे बात कर रहा है, उसकी शक करना, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर डेली कॉल तो होना ही चाहिए, डेली कॉल नहीं हुआ तो फिर डिस्टर्ब होना, या फिर मैंने जो भी कुछ कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ तो उसमें अप्रिशिएट नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया, वो करना चाहिए। तो इस तरह के जो लक्षण हैं, ये लक्षण बता दें कि आप ओवर पजेसिव हो गए। और ओवर पजेसिवनेस होता क्या है कि दूसरे के जीवन में आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे, उसको फ्रीडम नहीं दे रहे, उसको फ्री टाइम नहीं दे रहे, और फिर उसमें फिर चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है, उसका भी होता है और अपना भी होता है, उसमें फिर रिश्ते में दरार आती है। तो कोई भी रिलेशनशिप में आपको ये देखना है कि दूसरों को फ्री टाइम देना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसको करने दो ना, जो भी करना है वो, यदि वो आपका है, आपके ऊपर प्यार कर रहा है, तो फिर वो डेफिनेटली आपके आपका ही रहेगा, आपके साथ में ही रहेगा, और नहीं है तो फिर नहीं चाहे, फिर आपने उसके ऊपर नज़र रख दिया तो भी क्या फ़ायदा है। तो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको मन की शांति मिलेगी। नहीं तो लड़कों में भी है कि लड़की किसके साथ में बातचीत किया, कोई लड़के के साथ में घूम रही क्या, उसके साथ में दिख गई, अब पता नहीं क्या कर रहे होंगे, उसने तो बातचीत नहीं करना चाहिए था, वो लड़के के साथ में बातचीत करना था, मुझे बोलना था, मैं बातचीत करूँगा, मतलब इस तरह के डायलॉग्स चालू हो जाते हैं। इसमें मन शांति निकल जाती है, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, तो इसलिए इस तरह के अल्टरेशन आपके बिहेवियर में करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिप्रेशन से और एंग्जाइटी से मुक्ति मिलेगी। ये भी आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।